हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र पर। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, एज यूजुअल हम लोग यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो सेशन कंटिन्यू लेके यहां पे हम शाम को आपके बीच, रोज शाम को मैं आपसे बीच इंटरेक्ट हो रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ इस बेहतरीन सेशन में। तो बेसिकली ये जो कंप्लीट पार्ट एक चल रहा है लाइव प्रैक्टिकल का, आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए, चाहे यूपी पीसीएल का हो, चाहे यूपी आरवीएनएल का हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर ले हम लोग, तो उसको मैं टारगेट करते हुए यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने कंप्लीट क्या किया है, हम लोगों ने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल विनीत श्रीवास्तव जी, आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू मेरे भाई विनीत जी, दिल से धन्यवाद आपका। गुड इवनिंग मेरे भाई। दिव्या सक्सेना मैम गुड इवनिंग, कैसी हैं? बैंक प्रिपरेशन गुड इवनिंग, अच्छा बैंक प्रेप गुड इवनिंग भाई। दिव्या सक्सेना नमस्ते जी। मोनू राजपूत जी गुड इवनिंग, सभी लोग कैसे हैं भाई? वंस अगेन आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस ऑन स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म विद धीरेन्द्र सर। भाई चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पावर पॉइंट से बनते हैं, डालते हैं इस पर एक बार नजर। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट एक पार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस ऑफिस का, इसके बाद लिब्रे ऑफिस डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें, हम चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो चाहे वो लिब्रे ऑफिस हो, सब कुछ हमको डिस्कस करना है यहाँ पे। दोस्तों लास्ट टाइम वाला क्लास एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस को प्लीज देख लीजिए, सारे आपके लिए फ्रूटफुल हैं, बेनिफिशियल क्लास है बेसिकली, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पावर पॉइंट हम लोगों को ओपन करना है, तो सीधी सी बात है सर, कई सारे तरीके हैं पावर पॉइंट को ओपन करने का। तरीका क्या है सर, जैसे हम सीधे आते हैं डेस्कटॉप पे, आपको पता है जो डेस्कटॉप होता है वो किसी भी स्क्रीन का पहला विंडो होता है, फर्स्ट स्क्रीन होता है, यानी जो फर्स्ट स्क्रीन होता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। हम लोग लाइव बिल्कुल हैं दोस्तों, वी आर लाइव, एग्जैक्टली वी आर, हाँ ओके जी। अब देखिए यहाँ पे कई तरीका है, चाहे तो दोस्तों आप विंडोज या विंडोज बटन होता है ना, ये स्टार्ट है, ये पूरा लेटेस्ट वर्जन है जो मैं बेसिकली, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने दिख रहा है ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ना लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो विंडोज 11 है, विंडोज 11 अभी आपका लेटेस्ट आया हुआ है, लेटेस्ट मैं यूज कर रहा हूँ और एमएस ऑफिस भी मैं लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे आपको ना स्टार्ट बटन मिलता है, अभी मैं थोड़ा एक काम करूंगा मैग्नीफायर ले लूंगा, मैग्नीफायर से फायदा ये होता है कि हमको चीजें जूम, जो चीजें होती हैं वो कह सकते हो आप बड़ी दिखाई देती हैं, जूम इन जूम आउट करके हम चीजों को देख सकते हैं। मैग्नीफायर एक टूल होता है, मैग्नीफायर टूल को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और पुष्पेश कुमार जी गुड इवनिंग, रियल लाइफ जी नमस्ते जी, एंड ठीक है सर आप कैसे हैं? दिव्या मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, आपकी दुआ है, विंडोज 11 लेटेस्ट है सर, बिल्कुल दिव्या सक्सेना मैम, अक्टूबर 2021 को आया था ये, ठीक है अक्टूबर 2021 को आया था ये, आपका लेटेस्ट है ठीक है। तो फिलहाल मैंने जूम कर दिया है और जो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप देख सकते हो पूरा हमारा क्या है, ये डेस्कटॉप है, मैंने कहा है हम लोग जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करके जो हमारे पास पहला स्क्रीन आता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं, फर्स्ट स्क्रीन है डेस्कटॉप है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको जो दिख रहे हैं इसे आइकन बोलते हो, आपको पता है इन सब सारे ऑप्शंस जो आपके सामने दिख रहे हैं इनको आइकन बोलते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके, आपको बार बार क्वेश्चन पूछा था, राइट क्लिक करके आप इस पे क्या कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि राइट क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, तो राइट क्लिक करके किसी भी आइकन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। खैर वो सब हम विंडोज यूटिलिटी डिस्कस करेंगे, विंडोज यूटिलिटी में इसके बारे में आपको बता देंगे, अभी एकदम टॉपिक है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, विंडोज का अलग से जिसमें हम लोग पूरा विंडोज डिस्कस करेंगे, विंडोज का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो स्टार्ट चाहे तो आप स्टार्ट बटन पे जाएं क्लिक कर दें, और चाहे तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास है, और चाहे तो एक तरीका और आपके पास है, ठीक है। आप विंडो बटन आपके कीबोर्ड पे होता है ना, विंडो बटन प्लस आर प्रेस करोगे, जैसे मैंने विंडो बटन प्लस आर प्रेस किया, देखो क्या आ गया मेरे सामने,
मतलब विंडो बटन प्लस आर, विंडो का बटन, सॉरी विंडोज का बटन होता है, विंडोज बटन होता है, विंडो नहीं बोलते एक्चुअली, विंडोज बोलते हैं, विंडोज मतलब ओएस हमारा, विंडो कई लोग बोलते हैं तो फिर निकल गया विंडोज होता है। तो विंडोज का बटन प्लस आर प्रेस करते हो आप तो आपके सामने एक रन कमांड विंडो ओपन होता है। यहाँ पे आपको टाइप करना है पावर पी एन टी, पावर पी एन टी वैसे तो पावर पॉइंट, लेकिन जो अथेंटिक और जो स्टैंडर्ड ओपन करने का इसका एक कमांड बताया गया है। जैसे वर्ड में क्या होता है आप बताओ जरा, वर्ड में क्या होता है सभी लोग बताइए, वर्ड में क्या होता है कमांड? बिल्कुल मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कमेंट। आरती श्रीवास्तव मैम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू आरती मैम, एंड दिव्या सक्सेना मैम, पूजा मौर्य मैम, जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हो आप सभी लोग मुझे एक बार जो है बता दो। देखो यहाँ पे आंसर विन वर्ड आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रदीप जी, प्रदीप जी मेरे भाई, प्रदीप पाल जी कह रहे हैं बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। आलोक कुमार जी भी आ गए भाई, गुड इवनिंग, कैसे हो मेरे भाई? तो बिल्कुल अच्छा, एक बार बताइए और आप लोग जो आपका बेसिकली क्लास फाउंडेशन बैच वाला है वो आप लोगों ने अटेंड कर लिया, देख रहे हो ना, और उसमें अभी क्लासेस आपको मिलेंगी, मतलब ऐसा नहीं है वो कुछ, मैं चूंकि मैं अकेला अभी हूँ और कोई एक मेंबर है तो उससे मैंने बोला तो वो भी कहीं एंगेज है और मैं क्लास लगातार ले रहा हूँ तो सारा वो क्लास अपडेट नहीं कर पाया हूँ अभी तक, क्या नाम है आपके फाउंडेशन बैच में, वो पूरा अपडेट हो जाएगा आपको, ठीक है? तो ये बेसिकली, चले खैर, तो बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आ रहा है सर, हम ठीक है सर, आप कैसे? बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे हैं आरती मैम, प्रतीक जी गुड इवनिंग भैया, प्रतीक जी ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अभी वैकेंसी जो आपकी बेसिकली यूपी आरबीएनएल, ये यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और प्लस यूपी आरबीएनएल कंप्यूटर असिस्टेंट की सिलेबस सेम है, तो जो उसको अप्लाई करना चाहता है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं अप्लाई कर दो, जो चाहता होगा अप्लाई कर सकता है, सेम सिलेबस है, इसी तैयारी से आप उसको भी देख सकते हो, इसी एग्जाम से आप, मतलब इसी प्रिपरेशन से आप, क्योंकि मैं इस फॉर्म को डालने जा रहा हूं आपके साथ, आज टाइम निकाल के मैं डाल दूंगा, कल नहीं डाल पाया था, आज मैं फिल कर दूंगा फॉर्म, ठीक है? मैं खुद भी मैं देखूंगा जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम को देकर क्या होता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, पावर विन वर्ड आपका होता है एमएस वर्ड के लिए, एक्सेल डॉट ईएक्सई या एक्सेल आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए, और पावर पीएनटी आपका जो होता है पावर पॉइंट के लिए होता है। पावर पीएनटी मैंने टाइप किया और मैंने ओके कर दिया, जैसे मैंने पावर पीएनटी टाइप करके ओके कर दिया, देखो क्या होता है आपके सामने, आपके सामने साथ ओपन हो जाना चाहिए, देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है पावर पीएनटी करके, देखो पावर पॉइंट ओपन हो रहा है, ठीक है? नहीं सर मैं फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं कर पाई, कोई बात नहीं पूजा मौर्य जी, अगर जिनको ज्वाइन करना होगा फाउंडेशन बैच तो हमारे पास मैसेज कर देंगे, मेल ये व्हाट्सएप कर देंगे, उनको हम ज्वाइन करा देंगे। आप फीस बहुत ज्यादा देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हम करवा देंगे आपको ज्वाइन, ठीक है? जिनको ज्वाइन करना होगा, बाकी जुनून बैच वाले जो हैं उनका जुनून बैच चलता रहेगा, ठीक है? जुनून बैच वाले जो हैं अभी सोच रहे होंगे जुनून बैच वाले, सर जुनून बैच मैंने ज्वाइन किया क्लास पब्लिकली है, परेशान मत हो, पब्लिकली का मतलब कुछ चीजें पब्लिकली है, बाकी आपको उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको उसमें मिलेगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो पब्लिकली टेस्ट सीरीज नहीं देगा, वो आपको ही मिलेगा, तो आप लोग जुड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं सर है ना, ध्यान दो, पब्लिकली मतलब कुछ और लोग हैं जिनका भला हो जाए, पब्लिकली क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि चीजें मिल जाए सबको, ठीक है? कोई वो नहीं है। तो फिलहाल चलिए, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन कर लिया हम लोगों ने, अब देखो पावर पॉइंट जब ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्राम का नाम होता है प्रेजेंटेशन वन होता है। तो एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है कि सर ये बता दीजिए, बाय डिफॉल्ट जब हम ओपन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, बेसिकली वर्ड को या पावर पॉइंट को, एक्सेल को, जो भी, तो बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है? तो वर्ड को ओपन करते हैं तो आपको पता है डॉक्यूमेंट वन होता है, एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहां पे एक्सेल वन, एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहां पे स्प्रेडशीट वन होता है ना, सीट वन होता है, और जो प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो प्रेजेंटेशन वन होता है, बाकी हम चाहें तो उसको रीनेम करके सेव करके हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसको रीनेम करके सेव कर दोगे आप दूसरे जिस नाम से, तो उस नाम, ये नाम वहां पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है? तो नाम मतलब जो होता है प्रोग्राम का वो टॉप पे शो करता है टाइटल बार पे, तो टाइटल बार होता है। अब आपके सामने यहाँ पे कई सारे जो है बेसिकली जब मैंने ओपन किया तो गुड इवनिंग शाम है चुकी, तो गुड इवनिंग का मैसेज मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो 100% पास। अरे आरती श्रीवास्तव मैम ऐसी बात नहीं है सर, कोई बात नहीं सर, बस एग्जाम क्लियर हो जाए सभी का। हाँ बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई आलोक कुमार जी, रूपा मैम गुड इवनिंग, कैसे हैं? चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी लोग, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अब जैसे क्या है, जब मैंने ओपन किया तो लास्ट टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया था, आपको गौर करने वाली बात है सर, जब हम ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को तो आपको बताना है कितने ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट आपको दिखते हैं। सर होम दिखता है एक, न्यू दिखता है दो, ओपन दिखता है तीन, और हिस्ट्री दिखता है आपका, और नीचे सर तीन अकाउंट्स फीडबैक ऑप्शन सब में आते हैं, नीचे अकाउंट्स फीडबैक ऑप्शन सब में आते हैं, बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे क्या है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, 3D फ्लोट है, वेलकम टू पावर पॉइंट है, मतलब ये कई सारे आपको बने बनाए जो है आपको क्या मिल रहे हैं, टेम्पलेट मिल रहे हैं, आप टेम्पलेट बोलते हो, मोर थीम्स कह सकते हो आप इन्हें, ये टेम्पलेट है मोर थीम्स कह सकते हो। देखोगे आप जब मैंने मोर पे क्लिक किया तो भैया आपके ना जिस अकॉर्डिंग आप चाहते होंगे प्रेजेंटेशन वो अकॉर्डिंग सारे यहाँ पे मतलब सारे बाय डिफॉल्ट बने बनाए आपको मिल जाएंगे, बस आपको एडिट करना रहेगा। फिलहाल
हम लोग लेते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो ब्लैंक मैंने ओपन कर दिया। जैसे मैंने ब्लैंक ओपन किया तो एक क्वेश्चन आता है, ये बताइए सर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, जब हम लोग पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्लाइड, देखो अब यहाँ पे एक चीज गौर करना है आपको, आपको पता होगा वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं, पेज कहते हैं। वर्ड में हम लोग कहाँ काम करते हैं, पेज पे काम करते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। बाय वर्ड में क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, पेज बोलते हैं। एक्सेल में शीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेल में शीट बोलते हैं। और वही पावर पॉइंट में क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। मतलब हम लोग काम कहाँ करते हैं, स्लाइड पे करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान देना है, पूरा पोस्टमार्टम क्लास है, पूरा ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोबारा आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस तरह हम चीजों को डिस्कस कर दे रहे हैं। अगर आपको कहीं डाउट होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्ड में, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको दोबारा डिस्कस कर देंगे अगर आपको कहीं समस्या होगी तो, ठीक है। चलिए और बाकी पावर पॉइंट में आपको बता ही रहा हूं। तो जब हम ओपन करते हैं स्लाइड, बाय डिफॉल्ट स्लाइड जो होता है वो टाइटल स्लाइड, तो आपके सामने जो स्लाइड शो हो रहा है ना, ये टाइटल स्लाइड है। टाइटल मतलब समझ रहे हो क्या होता है, जैसे आप किस चीज के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो। भाई देखो प्रेजेंटेशन बनाने का मतलब क्या होता है कि अपने थॉट्स को, अपने विचारों को विजुअलाइजेशन के साथ आप प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हो, विजुअल इफेक्ट के साथ। तो जैसे मैंने लिखा यहां पे वेलकम, वेलकम टू, ठीक है। अब यहाँ पे सब टाइटल दे दिया मैंने, कहाँ वेलकम टू, देखो वेलकम टू मैंने कर दिया। और वेलकम टू कहाँ की बात हो रही दोस्तों, तो यहाँ वेलकम टू में मैं यहाँ पे तुम्हें टाइप कर देता हूँ, वेलकम टू मैं टाइप कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये मेरा एक चैनल है और मैं इस चैनल में पिछले काफी 2 साल से लगभग एक्टिव हूँ, स्टडी विद धीरेन्द्र सर, ठीक है। तो आपको जो है क्या दिख गया दोस्तों, स्टडी विद धीरेन्द्र सर नाम का जो है आपको दिख गया चैनल, ठीक है। तो वेलकम टू स्टूडियो, मतलब कहने का आशय ये है, अगर आपके सामने ये दिखेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में साफ साफ आ जाएगा सर कि जो मतलब स्लाइड, जो पीपीटी आपके सामने आने वाला है वो किससे रिलेटेड है। तो जो वेलकम होता है बेसिकली वही, यहाँ पे हम चाहें तो इसको होम पे जाकर, होम पे सारा काम होता है, होम पर जाके हम चाहें दोस्तों यहाँ पे जो है इसको बोल्ड कर दें, बोल्ड मतलब थोड़ा भारी हो जाएगा, और मैं चाहूँ इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, और चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको जो है इसका कलर वलर भी चेंज कर दूँ, तो ये सब मैं कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो पूरा सेलेक्ट करो, बोल्ड करो, कलर चेंज कर दो, सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो। कलर आप जो भी लेना चाहो आप कलर ले सकते हो, ठीक है। आप इसको ये तो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। अच्छा एक चीज मैंने बताया नहीं आपको, बताया क्या नहीं, जरा दोबारा आता हूं मैं बैक करके और दोबारा देखते हैं हम लोग एक चीज, यहाँ पे डिफॉल्ट वाला पार्ट देखते हैं। डिफॉल्ट वाला भी पार्ट चूंकि आता है एग्जाम में, थोड़ा मैं क्लोज कर दूं इसे, हमें सेव नहीं करना है, डोंट सेव कर दे रहा हूं मैं दोबारा जरा ओपन करता हूं। और हमको देखना क्या है, हमको देखना है कि इसमें जब हम ओपन करते हैं पावर पॉइंट को तो बाय डिफॉल्ट क्या हमारे पास आता है, ठीक है, हमें ये देखना है। बाय डिफॉल्ट का मतलब जो चीजें बाय डिफॉल्ट हमारे स्लाइड्स पे होती है, हमारे फर्स्ट स्क्रीन पे होती है। देखो मैंने जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन किया तो पहला तो डिफॉल्ट स्लाइड टाइटल स्लाइड है, ठीक है। दूसरा दोस्तों डिफॉल्ट, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, स्लाइड पे क्लिक कर दूंगा तो दूसरा डिफॉल्ट सर फॉन्ट कितना आ रहा है, और सर डिफॉल्ट फॉन्ट फेस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे यार डिफॉल्ट फॉन्ट जो है 60 आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल 60 आता है क्या, डिफॉल्ट 60 से 11 आना चाहिए ना, डिफॉल्ट तो 11 आना चाहिए, 60 यहाँ पे आता है क्या पावर पॉइंट में। अच्छा जरा मैं एक काम करूँ, इसको जरा मैं हटा दूँ फिर देखूँ भाई, नहीं तो 60 11 तो उसमें आता है भाई, वर्ड एक्सेल में 11 आता है बाय डिफॉल्ट, है ना। एक मिनट, डिफॉल्ट कितना आता है फॉन्ट साइज, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, जस्ट वेट, इसको मैं यहाँ पे 100% करके और मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर दूँ, दोबारा मैं यहाँ से ओपन करूँ पावर पॉइंट, ठीक है। और पावर पॉइंट ओपन जब मैं कर लूँगा तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, हमको दिख जाएगा, जस्ट वेट, ये हमको दिख जाएगा, जैसे ये हमारे सामने ब्लैंक स्लाइड आ गया, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको हटा दूँ, एक्चुअली इसको अगर मैं कर दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। और मैं यहाँ से लेता हूँ इंसर्ट टेक्स्ट, है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखो बाय डिफॉल्ट, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जो आता है ना, अगर टाइटल स्लाइड पे आप जाते हो, एक चीज मैंने गौर किया, अगर आप टाइटल स्लाइड पे जाते हो ना तो बाय डिफॉल्ट आपका जो आता है वो 60 आता है टाइटल स्लाइड पे, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसका वो होता नहीं टाइटल बड़ा होता है, तो टाइटल स्लाइड का जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो आपका 60 होता है। ये मैंने देखा यहाँ पे, वही मैं देखना चाह रहा था सर 60 ही है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं यहाँ पे, नहीं टाइटल स्लाइड पे आप जब ओपन करते हो, चूंकि टाइटल मैंने हटा दिया ना, टाइटल स्लाइड मैंने टाइटल हटा दिया, अब मैंने यहाँ से अलग से क्या किया है, मैंने अलग से यहाँ पे जो है आप अगर गौर करें, कहाँ गए भाई, मैंने अलग से जो है यहाँ पे क्या किया है ध्यान दीजिएगा, अरे यार ये क्या हो गया, ये आ गया।
मैंने अलग से यहाँ पे इंसर्ट किया, इंसर्ट करके मैंने यहाँ पे टेक्स्ट किया। जब टेक्स्ट बॉक्स पे मैं जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ जो आता है वो 18 आता है। मतलब अगर हमें कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना होगा बाई डिफॉल्ट, टेक्स्ट किसी मतलब टाइटल स्लाइड पे नहीं, किसी दूसरे पूरे स्लाइड पे कहीं भी, है ना, जो बाई डिफॉल्ट हमको टेक्स्ट दिया होगा उसकी जगह हम अगर इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट, उसकी साइज जो होती है बाई डिफॉल्ट वो 18 आती है। लेकिन अगर हम टाइटल स्लाइड को ओपन करते हैं, दोबारा हम ओपन करके देख लें, तो ये चूंकि ये मैंने गौर किया और चूंकि ये पूछा भी जा सकता है भाई कि यूपीपीसीएल या यूपीआरवीएनएल की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो कुछ कन्फर्म नहीं हो क्या पूछ लें, चूंकि लास्ट टाइम से तो यही हो रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, तो इसलिए हमें उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, छोटी छोटी पॉइंट्स और बड़ी से बड़ी पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो जैसे ओपन किया, अच्छा एक चीज देखो आप, जैसे ये टाइटल क्लिक टू ऐड टाइटल बड़ा वाला है, बड़ा है ना, और क्लिक टू सब टाइटल छोटा है, तो कहने का आशय ये है अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, बड़े वाले पे क्लिक करेंगे 60 आ रहा है, लेकिन छोटे वाले पे क्लिक कर दे जरा हम लोग सब टाइटल पे, अगर सब टाइटल पे हम क्लिक कर देंगे सर जी, अरे डेटा फिनिश्ड हो गया अभी तो, मैं देखी हूँ टाइटल का 60 है और सब टाइटल 24। देखो यहाँ पे बिल्कुल कृति गंगवार जी का आंसर आ रहा है, सब टाइटल में क्या होता है, वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड कृति गंगवार जी, सब टाइटल का 24 है और आपका टाइटल का जो है वो 60 है, 60 है, तो बिल्कुल आप प्लीज नोट कर लीजिएगा ये चीज। टाइटल स्लाइड में जब हम लोग इंसर्ट करते हैं, मैं चेक करना चाह रहा था कि 60 होता बाई डिफॉल्ट और सब टाइटल में हम जाते हैं 24 होता बाई डिफॉल्ट, ठीक है। वर्ड और एक्सेल में तो सब कुछ केस है नहीं, वर्ड एक्सेल में तो केवल हम जब ओपन करते हैं तो स्लाइड तो ओपन होता नहीं, वहां पेज होता है, वहां सीट होता है, तो बाय डिफॉल्ट 11 होता है, है ना, बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है 11 होता है, वैसे तो स्टैंडर्ड 8x72 होता है। अच्छा अब यहाँ पे स्टैंडर्ड चेक कर लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड की बात करें हम लोग तो 8 से लेके 96 तक, देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड क्या होता है, 8 से लेके 96 होता है, जबकि वर्ड और एक्सेल में 8 से लेके 72 होता है। तो ये आप क्या कर रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरे साथ एक नोट्स बनाए होंगे अभी मेरे इस पर्टिकुलर एमएस ऑफिस का, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप पढ़ रहे होंगे, तो आपने पूरा लिखा होगा सर, फर्स्ट ओपन करते हैं तो क्या होता है, कैसे ओपन होता है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक स्लाइड लिया, ब्लैंक स्लाइड में फिर टाइटल स्लाइड है, टाइटल स्लाइड में आपका जो टाइटल स्लाइड का टेक्स्ट फॉन्ट साइज होता है बाई डिफॉल्ट 60 होता है, सब टाइटल को उसके नीचे जो होता है 24 होता है, बाई डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड साइज होता है फॉन्ट का वो 8 से लेकर 96 होता है, बगल में फिर आप लिख देंगे जानकारी के लिए वर्ड में 8x72 और एक्सेल में 8x72, वहां पे जो फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट 11x11, तो ये जानकारी के लिए आप इस तरह लिखेंगे तो आपको वहां भी क्लियर होगा और फिर यहाँ पे मतलब एक चीजें रिवाइज होती जाएंगी बार बार, है ना, ये होता है। तो तरीका होता है ये आपका पढ़ने का जो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल नोट्स बनाइए और प्रयास करिए, मुझे जो है एक बार आप एक काम और करिए, नोट्स का फोटो कैप्चर करके आप ग्रुप में भेज दीजिए, जिस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हैं आप वहां भेज दीजिए बढ़िया, ताकि लगे लोगों को हाँ किस तरह आप पढ़ाई कर रहे हो, किस तरह आप अगर आप सक्सेस होंगे, सफल आप होंगे, एग्जाम आपका निकलेगा और क्वालिफाई होंगे, जॉब मिलेगी, तो लोगों को पता चले कि हाँ किस तरह मेहनत, किस लेवल की मेहनत थी, किस लेवल का हार्डवर्क था जो आज फाइनली सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए। खैर तो 8x96 होता है। अच्छा अब क्वेश्चन बनता है सर मिनिमम कितना होता है, मिनिमम तो आपका 1 होता है पॉइंट, फॉन्ट साइज मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम चेक कर लेते हैं सर, मैक्सिमम सर 5000 होता है यहाँ पे, मैक्सिमम कितना होता है सर 5000 होता है जहां तक मुझे लग रहा है, 5000 अगर मैं इंटर मारूं यहाँ पे, जस्ट वेट प्लीज मैं चेक कर लूं मैक्सिमम कितना होता है, 5000 शायद होता है, याद आ रहा है ऐसा कुछ मुझे, मैक्सिमम कितना हम लोग ले जा सकते हैं भाई, स्वेट सिक्स मैक्सिमम 5000 पे अगर हम क्लिक करते हैं तो 5000 में कितना होता है यार मैक्सिमम यहाँ पे, एक मिनट, विंडोज डी एक शॉर्टकट की होता है, विंडोज के साथ डी प्रेस करते हैं डेस्कटॉप पे आते हैं, फिर विंडोज के साथ डी प्रेस करेंगे तो उसी चले जाएंगे उसी ऑप्शन पे, ठीक है, याद रखने एक चीज, विंडोज के साथ आप जब डी प्रेस करते हो तो कहां पे आप होते हो, किस ऑप्शन पे होते हो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने कर्सर लिया यहाँ पे, होम पे जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, फिर यहाँ के बाद मान लीजिए मैं कोई चीज इंसर्ट करता हूँ, यहाँ इंसर्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पॉइंट्स अगर 1 पे जाऊँगा मैं तो 1 तो हो गया, ठीक है 1 हो गया, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम मान लीजिए 1638 वहाँ पे होता है वर्ड और एक्सेल में, है ना, और मैं यहाँ पे अगर एंटर मारता हूँ कितना होता है मैक्सिमम 1638 तो होता ही होता है,
1638 तो होता ही होता है ना। मैक्सिमम कितना होता है ये हमको देखना है, मैक्सिमम कितना होता है। तो मैक्सिमम अगर हम 3000 की बात करें, 3000 ही मैक्सिमम होता है, चलो ठीक है। 4000 की बात करें, 4000 भी मैक्सिमम होता है ना। अगर हम 5000 की बात करें, 5000 भी मैक्सिमम होता, 5000 नहीं होता मैक्सिमम है ना, फाउंड सही। 4000 पे अगर 4000 4400 करें, 4000 होता है मैक्सिमम, 4000 होता है, ठीक है। 5000 नहीं होता, 4000 होता है, ठीक है। 7 में 8 से 72 ही होता है, बिल्कुल। ऑफिस 7 से, सर ये ऑफिस 10 है क्या? नहीं, ऑफिस 10 नहीं है, ये ऑफिस 21 है, ऑफिस 21 है, ठीक है। ऑफिस 21 है जो आपके सामने लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे विजय बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग समझते हो, क्लास अटेंड कर रहे हो। ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये आपका जो होता है 4000 मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है, 4000 होता है ना। क्योंकि मैं अगर 5000 प्रेस कर रहा हूँ, इससे ज्यादा अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं 4001 करता हूँ, मान लीजिए 4001 करता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो एंटर मारता हूँ 4001, देखो सबसे हाईएस्ट जो है वो 4000 ही आ रहा है, 4000 से आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट होता है इसमें 4000 होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, 4000 होता है। और वहीं अगर एक्सेल और वर्ड की बात करें 1638 होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी बाय डिफॉल्ट कैलिवरी बॉडी होता है, बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, कैलिवरी बॉडी फॉन्ट फेज होता है, जिसे हम लोग फॉन्ट फेज के नाम जानते हैं। बाकी आपको पता है टाइटल, ये आपका पूरा ऊपर वाला टाइटल बार होता है, टाइटल बार में कंट्रोल, टाइटल बार में प्रोग्राम का नाम, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका कंट्रोल बटन होता है, जहाँ पे आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज, मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर क्लोज का ऑप्शन होता है। अगर हम बात करें कितने टैब मेनू होते हैं, तो फाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइटल्स होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई टेबल अगर लेना चाहेंगे तो टेबल का अलग से टेबल डिजाइन आ जाता है। तो खैर यहाँ पे 12 हेल्प को लेके 12 होता है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हेल्प को लेके 12 होता है। खैर जब पूछेगा तो हेल्प को लेके पूछेगा। ऊपर जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा यहाँ पे आपको समझना होगा एक चीज, पूछो क्या, वही वर्ड और एक्सेल में जब हम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करते हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे सामने अंडू रिड्यू आता है और सेव आता है। तो अंडू रिड्यू सेव तो यहाँ भी आ रहा है, अंडू ये सेव है, ये अंडू है, रिड्यू है, ठीक है। और कस्टमाइज करना, बाकी यहाँ पे पावर पॉइंट में एक चीज आता है आपको स्लाइड शो कराने के लिए, स्लाइड शो कराने के लिए एक ऑप्शन आता है स्लाइड शो कराने का, F5 स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब आप स्लाइड शो यहाँ से कर सकते हो क्लिक करके। वैसे तो आप शॉर्टकट की F5 भी यूज करते हो स्लाइड शो के लिए, सबको पता होगा स्लाइड शो करने का शॉर्टकट की क्या होता है, F5 होता है। लेकिन आप इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, स्लाइड को शो करा सकते हो। तो ये आपका होता है स्टार्ट द शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, तो ये समझ में आपको आ गया कि फर्स्ट स्लाइड को स्टार्ट। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, हमको मान लीजिए कई सारे स्लाइड को यहाँ पे इंसर्ट करना, तो क्या करेंगे, सिंपल इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में इसको मैं थोड़ा एडिट हटा दूं यहाँ पे, इसको हम कॉपी करेंगे जिस तरह का हम स्लाइड चाहेंगे दोस्तों, उसको हम कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, एक मिनट। कॉपी करके हम जितना, जितनी बार दोस्तों पेस्ट करेंगे, हमारा सब पेस्ट होता जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे चीजें वही निकल के आ रही है सर, कॉपी और पेस्ट का खेल होता है। स्लाइड को तेजी से, स्लाइड हम लोग कैसे बनाते हैं अभी आपको बता देंगे, स्लाइड हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सारे सामने आपको जो दिख रहा है मैं कैसे स्लाइड्स बनाता हूँ आपको पता है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ब्लैंक स्लाइड लेना है, तो उसको मुझे हटा देना है, चूंकि मुझे अपने अकॉर्डिंग टाइटल वगैरह लेना है। टाइटल मान लीजिए रहेगा, चलो छोड़ टाइटल छोड़ देते हैं, हम लोग टाइटल को छोड़ देते हैं, चूंकि टाइटल रहेगा भाई, टाइटल किस चीज का हम बना रहे हैं। तो टाइटल मान लीजिए रहेगा वेलकम टू, मैंने कहा वेलकम टू, ठीक है। यहाँ मैंने बोल दिया स्टडी विद धीरेन्द्र सर, ठीक है, मान लीजिए चैनल मेरा है स्टडी विद धीरेन्द्र सर, ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाने के बाद में मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाऊंगा, और न्यू स्लाइड पे जाने के बाद में मैं टाइटल वाला स्लाइड ले लिया हूँ, मैं चाहूंगा टाइटल एंड कंटेंट वाला मैं लूंगा, टाइटल और कंटेंट वाला लूंगा। अब देखो यहाँ पे टाइटल और कंटेंट वाला आ गया, ठीक है। तो पहले पे आ गया वेलकम टू, इसको मैं थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई कर दूँ, मॉडिफाई का मतलब थोड़ा मैं इसको जो है कलर वगैरह फॉन्ट चेंज कर दूँ, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, और थोड़ा मैं जो है यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दूँ, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा फिल कर देता हूँ, यहाँ पे सेफ फिल कर देता हूँ, सेफ फिल मान लीजिए मैं ब्लैक कर देता हूँ, देखो ब्लैक हो गया सेफ फिल, आपको पता है। यहाँ पे मैं दोस्तों क्या करता हूँ, इसको जो है बोल्ड इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल से सेलेक्ट किया, कंट्रोल से सेलेक्ट होता है, इसको मैंने बोल्ड किया। यहाँ मैंने दोस्तों मान लीजिए कलर जो है येलो कर दिया, और इसको थोड़ा मैंने जो है येलो कलर करके क्या कर दिया, टेक्स्ट को, टेक्स्ट होता है ना आपका, ये मैंने सेलेक्ट किया इसे,
और मैंने इसको दोस्तों क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब देखो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ सेव फिल, सेव फिल होता है ना, सेव फिल से क्या होता है कि आपका जो पूरा शेप होता है फिल हो जाएगा। मैं सेव पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सेव फिल में इस तरह कलर कर देता हूँ। देखो ये सेव फिल हो गया। अब मैं चाहता हूँ पूरा ये बैकग्राउंड मेरा चेंज हो जाए, तो बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड के लिए मैं अगर यहाँ पे डिजाइन पे जाऊंगा और डिजाइन पे जाके मैं जिस तरह डिजाइन लेना चाहता हूँ उस तरह डिजाइन ले सकता हूँ। आपको पता है ना बैकग्राउंड पे जाके आप डिजाइन ले सकते हो। आपके में शेप फॉर्मेट ही है 13 नंबर पर, 13 है सर, 13 है शेप फॉर्मेट, क्या बोल रहे हैं आप, में शेप फॉर्मेट है 13 नंबर पर, मतलब समझा नहीं मैंने। नहीं, वो जब आप कोई ऑप्शन लेते हो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो अलग, बाकी आप जब अभी टेबल अगर आप लोगों तो टेबल का आ जाएगा अलग से। जैसे अगर मैं टेबल का ले लूंगा है ना, इंसर्ट टेबल, मान लीजिए टेबल का मैंने ले लिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अभी टेबल का कहाँ गया भाई, टेबल जैसे मैंने ले लिया, देखो टेबल डिजाइन आ गया, लेआउट आ गया, तो टेबल डिजाइन लेआउट बढ़ गया आपका, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई एक्स्ट्रा चीज लोगे, काम टेबल लोगे या उसका लेआउट, तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट वाली बात हो रही ना भाई, तो बाय डिफॉल्ट तो आपका 12 ही होता है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाय डिफॉल्ट 12 होता है किसमें, एमएस पावरपॉइंट में। तो ये बेसिकली मैंने कर दिया है। अब मैं डिजाइन अगर लेना चाहूंगा तो मैं डिजाइन कोई भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं डिजाइन ये लेना चाहता हूँ, या मान लीजिए मैं डिजाइन बेसिकली ये लेना चाहता हूँ, ठीक है, कोई भी डिजाइन लेना चाहता हूँ, डिपेंड मेरे ऊपर करता है, मैं कोई भी डिजाइन लेना चाहता हूँ डिजाइन लूंगा, उस तरह से हमारा पूरा स्लाइड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड को फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। खैर तो ये सब बातें अलग है, इसको हम चर्चा बाद में करेंगे आपसे। देखिए तो मैंने क्या किया, अच्छा इसको फिर मैं कंट्रोल जेड कर दूं, कंट्रोल जेड से क्या होता है आपका वो अंडू हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल जेड से आपका क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, कंट्रोल जेड से आपका क्या होता है, अंडू हो जाता है, मतलब जिस तरह से आपका ये कंट्रोल जेड, ठीक है। अब मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल वी भी करता जाऊंगा। देखो इतना पेस्ट हो गया पूरा, ठीक है, ये पूरा स्लाइड पेस्ट हो गया है। फिर यहाँ कोई स्लाइड लेता हूँ, यहाँ पे कोई टाइटल लेता हूँ, मान लीजिए कंप्यूटर पढ़ना है हम लोगों को, तो कंप्यूटर यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लीजिए हार्डवेयर पढ़ना है तो हार्डवेयर ले लिया, और जैसे मैंने इंटर किया हार्डवेयर के बाद, फिर यहाँ पे आ गया आपका सॉफ्टवेयर, ले लिया मैंने सॉफ्टवेयर हो गया आपका। फिर यहाँ इंटर किया मैंने, मतलब यहाँ पे मैंने ले लिया कंप्यूटर टॉपिक्स, कंप्यूटर टॉपिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको पढ़ना है, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपका हो गया। अच्छा थोड़ा मैं दूसरों से ले लूँ, दोबारा बता दूँ आपको, देखो यहाँ पे क्या लिया मैंने, एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ ले लिया मैंने हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड जनरेशन, कंप्यूटर का हिस्ट्री एंड जनरेशन टॉपिक हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे ले लिया फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है, जस्ट वेट प्लीज, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल। फिर मैंने ले लिया हार्डवेयर, इसको आप किसी भी तरह कर सकते हो। फिर मैंने ले लिया सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर। फिर मैंने ले लिया, एक मिनट जस्ट वेट, सॉफ्टवेयर। फिर मैंने ले लिया नंबर सिस्टम, ठीक है ना, नंबर सिस्टम। फिर मैंने ले लिया मेमोरी, ठीक है, एंड मेमोरी यूनिट, ठीक है। फिर मैंने ले लिया प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना, LANGUAGE लैंग्वेज, ठीक है। फिर मैंने ले लिया साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना। फिर ले लिया एमएस ऑफिस, मतलब ये पूरा एक्चुअली जो है आपका पार्ट हो गया। खैर तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर का टॉपिक आपने लिया, फिर आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, आपने जो जिस तरह आप चाहते हो बनाना उस तरह आप बना सकते हो। खैर ये सब आप कर सकते हो। खैर इसमें मुझे आपको सिखाना, मेन मकसद सिखाने का नहीं है, बस मेरा मेन मोटो यहाँ पे ये है कि आपको चीजें समझ में आ जाए एग्जैक्टली कैसे होता है। आप इसको पूरा सेव फिल भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप इसको लेकर फिल कर सकते हो। हम लोग स्लाइड बनाते हैं कुछ ऐसे ही, आप देखते हैं टॉपिक, अभी आपका स्लाइड बन गया, एक तैयार हो गया है ना, आपका स्लाइड बन के तैयार हो गया। अगर देखें आप फटाक से जो है मुझे कुछ पढ़ाना होगा तो मैं यहाँ पे जो है इसका सेप ले लूंगा, मैं यहाँ पे कलर इसका दूसरा ले लूंगा। आप देखिए स्लाइड बनके तैयार हो गया ना ये चीज। अब मान लीजिए चाहता हूँ यहाँ पे क्या करना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको शो करना, तो भाई आपके सामने क्या हो जाएगा, शो करना चाहता हूँ तो मैंने F5 पे क्लिक किया, और F5 पे जब क्लिक किया मैंने तो आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने बढ़िया जो है देखिए एक तरीके से ये, मैं चाहता तो उसको भी फिल कर सकता हूँ। फिर अब आप देखो यहाँ पे ये आपका कंप्यूटर टॉपिक्स हो गया। तो बेसिकली स्लाइड का, अच्छा एक चीज और बता दो, स्लाइड को प्रिंट के लिए यूज नहीं करते हो आप, स्लाइड का प्रिंट के लिए यूज नहीं होता है वो, वर्ड एक्सेल जिस तरह आप प्रिंट करते हो उस तरह स्लाइड को प्रिंट नहीं करते हो आप, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है स्लाइड,
ठीक है, तो ये चीज होती है। ये सर 3000 वाला कौन सा साइज है? 3000 वाला नहीं भाई, 4000 है दाक्षी मिश्रा जी, 4000 साइज होता है ना इसका, 3000 नहीं होता है आपके में से बिल्कुल। हाँ सर दिख गया, 12 ही है बिल्कुल कृति जी। वो एक्चुअली क्या होता है ना कृति गंगवार जी, जब आप नया कुछ लेते हो ना, मतलब कोई नया कोई ऑप्शन लोगे आप जिसमें मतलब फॉर्मेटिंग करना होगा आपको, तो उससे रिलेटेड फिर वो टैब मेनू बढ़ जाता है, टैब मेनू, ठीक है, ये होता है। तो ये आपको दिख गया होगा ये चीज। अच्छा अब मैं आपको कुछ चीजें और सिखा दूँ यहाँ से। खैर ये तो मतलब बेसिक चीज है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज है, आपको ये सब आता होगा। तो मतलब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये बताइए पावर पॉइंट का यूज आप क्यों करते हो, तो आप बता दोगे सर पावर पॉइंट का यूज हम प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, विजुअल, अपने थॉट्स को विजुअलाइजेशन के फॉर्म में चीजों को प्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है इसको मैं, अब यहाँ पे हमको इसको इससे बाहर आना है, तो मुझे बताओ शॉर्टकट की क्या है इससे बाहर आने का, एक कौन सा साइज फॉन्ट है सर? देखो नहीं एक्चुअली 8 से 96 होता है मिश्रा जी, इसका जो होता है पावर पॉइंट का स्टैंडर्ड जो फॉन्ट साइज होता है वो 8 से 96 होता है। जैसे वर्ड एक्सेल में 8 से 72 होता है, वैसे यहाँ पे 8 से 96 होता है, ठीक है, 8 to 96 होता है। अच्छा मुझे बताओ अगर मुझे बाहर आना होगा इससे तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए? एक तो ऑप्शन है राइट क्लिक करूंगा मैं, एक तो ऑप्शन है कंट्रोल डी, नहीं भाई ओ फोन, नहीं समझे नहीं, कंट्रोल डी तो अलग होता है मेरे भाई। देखो अगर मुझे इससे बाहर आना है तो मैं क्या करूंगा, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो एक तरीका तो है राइट क्लिक करूंगा मैं, जब राइट क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, देखो राइट क्लिक करने पे कितने ऑप्शंस आएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा सर ये बताइए जब हम किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शो करा रहे होते हैं और उस पर हम राइट क्लिक करते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, मतलब आपका चल रहा है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, जब कोई स्लाइड आपका चल रहा होता है उस पर हम राइट क्लिक करते हैं, तो ऑप्शंस क्या क्या उसमें से होते हैं क्या नहीं होते हैं याद करो आप। लास्ट टाइम यूपी आरबीएनएल ने पूछा था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने पूछा था कि जब हम ओपन करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सेवेज में नहीं होता है, याद है सेवेज में नहीं होता, शेयर नहीं होता, मैंने पूरा बताया है, वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा आपको। तो मतलब कौन सा ऑप्शन, मेल से क्वेश्चन आया था, मतलब किस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या इनमें से होता है क्या नहीं होता है। तो इसे जब पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन हमारा चल रहा होता है तो प्रेजेंटेशन के दौरान जब हम राइट क्लिक करते हैं बेसिकली, तो राइट क्लिक पे क्या हमें ऑप्शन शो होता है, तो सर नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट व्यू, सी ऑल स्लाइड्स, जूम इन, कस्टम शो, शो प्रेजेंटर व्यू, स्क्रीन, पॉइंटर ऑप्शन, हेल्प, पॉज, एंड शो। हमको यहां से एंड करना है, अब हमको यहां से एंड करना है तो हम एंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर हमको यहां से एंड करना है तो एक मिनट, हमको यहां से अगर एंड करना है तो यहां पे हम एंड कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर मुझे कीबोर्ड के कीज से मुझे एंड करना है तो क्या कर सकता हूं बोलो, तो कीबोर्ड के कीज से मुझे एंड करना है तो कौन सा बटन दबाऊंगा मैं, एग्जिट, नहीं भाई, अगर मुझे बिल्कुल, यहाँ प्रदीप पाल जी का आंसर आ गया है, दिव्या सक्सेना जी का आंसर आ गया है, अरे भाई, अरे क्या नाम है, आंचल मैम, बैक स्पेस से कहाँ होगा भाई, बैक स्पेस से कहाँ होगा बताओ, बैक स्पेस से थोड़ी ना होगा यार, बैक स्पेस से नहीं होता है भाई, बैक स्पेस से तो आप पीछे चले जाओगे। आपको अगर क्या करना है, एग्जिट करना, बाहर आना है तो आप ESC प्रेस करोगे, ESC जब प्रेस करोगे तो आप बाहर आ गए हो, ESC प्रेस करने पे आप बाहर आ गए हो, ठीक है, तो आप ESC प्रेस करोगे, याद रखना इतना, ठीक है। विंडोज डी का यूज करते हो आप, विंडोज डी का यूज करते हो डेस्कटॉप पे आने के लिए, विंडोज डी का दोबारा यूज करोगे आप उसी लोकेशन पे जाने के लिए, जैसे इस लोकेशन पे मैं हूं, मुझे इस लोकेशन से डेस्कटॉप पे आना है, मैंने विंडोज डी कर दिया, मैं आ गया डेस्कटॉप पे, ठीक है, मैं कहां पे आ गया, डेस्कटॉप पे आ गया, और फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे दोस्तों उसी लोकेशन पे जाना है जहां पे था मैं, विंडोज डी प्रेस कर दिया, फिर उसी लोकेशन पे आ गया मैं, मतलब जिस लोकेशन पे होते हैं आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाने के लिए विंडोज डी, और विंडोज डी से आप दोबारा उसी लोकेशन पे जाने के लिए विंडोज डी, मतलब डेस्कटॉप से दोबारा उसी लोकेशन पे जाने के लिए विंडोज डी। दूसरी बात दोस्तों जो कहते हो सर नंबर ऑफ टैब, हम कितना विंडो मेरे पास ओपन है पता है, कितना विंडो मेरे सिस्टम में ओपन है, तो अल्ट टैब ओपन करूंगा मैं, जब अल्ट टैब ओपन करूंगा मैं तो आपको दिखाई पड़ेगा, देखो कितना विंडो मेरे में ओपन है, ये देखो आप कितना विंडो मेरे में ओपन है, ये आपको दिखाई पड़ेगा जब मैं अल्ट टैब ओपन करूंगा, समझ में आ रहा है आपको। तो अल्ट टैब से होता है मल्टीपल विंडो को आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल विंडो के लिए आप अल्ट टैब का यूज करते हो जब मल्टीपल टैब आपको शो कराना होता है, खैर ये चीजें होती है। तो ये समझ में आपको आ गया स्लाइड कैसे बनाया जाता है। अब मेरे पास जैसे अब देखो कुछ लोगों को इससे जॉब कैसे मिलती है, जैसे एक्सेल पे लोगों को जॉब मिलती है, वैसे पावर पॉइंट पे लोगों को जॉब कैसे मिलती है, मतलब जो आजकल ट्रेंड चल रहा है नए इस सेक्टर में। देखो आपको थोड़ा बता दूं, बहुत सारी विंडोज ओपन, हाँ बिल्कुल बहुत सारी विंडोज है, सारी विंडोज होती है, मैं थोड़ा आपको जानकारी के लिए बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, अल्ट टैब टू नेविगेट बिटवीन विंडोज, करुणा वंसल यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्लिक फाइल, सेव, माइक्रोसॉफ्ट 2003। बिल्कुल दीपशिखा मैम, काफी लेट में आज आप लेट आई हैं, खैर कोई बात नहीं, चलिए देखो दोस्तों मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, हम टीचर हैं,
अब मेरे पास उतना टाइम तो होता नहीं है कंटेंट बनाने के लिए, तो कंटेंट राइटिंग की एक जॉब होती है, जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर आता है, तो मैंने आपसे कहा कि एक काम करिए, मैं आपको हायर कर रहा हूँ, वैसे फ्यूचर में आवश्यकता पड़ेगी, तो जो लोग पार्ट टाइम करना चाहते हैं, जैसे लोग कहीं इंगेज है जॉब कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनको पीपीटी बढ़िया आता है, तो वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज है, सब्जेक्ट का कमांड है, तो आप जो है पीपीटी बनाने के लिए कुछ चार्ज होता है, पैसा होता है कि पर पीपीटी 5 रुपए 10 रुपए ऐसे चार्ज होता है। तो मान लीजिए एक दिन में आपने कितना बनाया, 100 पीपीटी बनाया, तो दिन में कितना आपका रुपया बन गया भाई, 100 पीपीटी बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, मान लीजिए 100 बहुत हो गया, 50 पीपीटी बनाया आपने, 50 पीपीटी बनाया आपने एक दिन में, ठीक है, तो 50 पीपीटी का कितना हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लो 10 रुपए से, 10 से 5 रुपए, बहुत लोग 10 रुपए देते हैं, बहुत लोग 5 रुपए देते हैं, डिपेंड करता है। तो पीपीटी बनाया कैसे आता है ये आपको, वही मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि आप वो करो, लेकिन आप सीख सकते हो, प्लस आपको जानकारी होनी चाहिए कि पीपीटी में क्या क्या चीजें होती हैं, टूल्स क्या क्या होता है, ठीक है, और इसको आप, अच्छा दूसरी बात, इसका आप चाहो तो इसको और स्टैंडर्ड आप कर सकते हो, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे जाता हूँ सेव फॉर्मेट पे, सेव फॉर्मेट में देखो कितने स्टाइल से यहाँ पे हैं, सेव फॉर्मेट में मेरे पास चाहे तो मैं चाहूँ तो इसको इस तरह कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको इस तरह कर सकता हूँ, देखो कितने सारे स्टाइल हैं आपके पास, आप कितने सारे आपके पास स्टाइल हैं, आप चाहो तो इस तरह कर सकते हो, मतलब आप किसी भी तरह जो है इसका स्टाइल मतलब ले सकते हो, देखो यहाँ पे आप है ना ये, तो स्टेप फॉर्मेट में जाके आप किसी भी सेव स्टाइल्स आपका ग्रुप होता है। एक्चुअली देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये आपके टैब मेनू है ना ऊपर, ये टैब मेनू होते हैं ऊपर, इससे पहले मेनू बार होता था ना, पुराने वाले वर्जन में आपने पढ़ा होगा, पुराने वाले वर्जन में मेनू बार होता था, उसे यहाँ टैब मेनू होता है। इस पूरे एरिया को आप रिबन कहते हो, रिबन पे क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, जैसे आप आपका जैसे आपका यहाँ पे सेव का ग्रुप क्या है, सेव का ग्रुप यहाँ पे आपका एक इंसर्ट सेव का ग्रुप है, इंसर्ट सेव में आप चाहो जो चाहो शेप ले सकते हो, ठीक है, दूसरा सेव स्टाइल का है, उसका आप स्टाइल जो चाहो कर सकते हो आप, ठीक है, तीसरा वर्ड आर्ट, देखो ये आपका वर्ड आर्ट होता है, स्टाइल फॉन्ट का फीचर स्टाइल होता है, किस तरह आप स्टाइल लेना चाहते हो फॉन्ट का, ठीक है, ये आपका है और ग्रुप है। फिर अगला आपका दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट फील्स, आउटलाइन मतलब पता है क्या होता है, आउटलाइन मतलब बॉर्डर होता है, जैसे मैं चाहता हूँ बॉर्डर का कलर, मैं चाहता हूँ बॉर्डर कलर रेड हो जाए, देखो रेड हो जाए, और मैं चाहता हूँ बॉर्डर कलर और मोटा हो जाए, तो बॉर्डर कलर और वेट, इसका वेट क्या करूंगा मैं, भारी कर दूंगा वेट, देखो मैं वेट इसका भारी कर दूंगा, तो आप अरे ये मैं इसका कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका क्या नाम है, जो कंप्यूटर टॉपिक्स था मैं इसका कर रहा था, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बॉर्डर इसका जो है, इसका जो बेसिकली आपने फिल किया है, मैं इसका बॉर्डर चाहता हूँ, तो मैं इसका बॉर्डर कहाँ पे जाऊंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शेप में जाऊंगा, और उसके बाद मैं जाऊंगा दोस्तों टेक्स्ट फिल में, टेक्स्ट फिल में मैं जाऊंगा कहाँ पे, टेक्स्ट फिल में नहीं, टेक्स्ट फिल में नहीं, टेक्स्ट इफेक्ट्स नहीं, टेक्स्ट आउटलाइन, तो टेक्स्ट का आउटलाइन है, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट फिल में फिल 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 यहाँ पे बॉर्डर 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 मोर फिल कलर, अच्छा था फिल कलर के लिए आ गया, पिक्चर्स यहाँ पिक्चर्स होता है, इसका बॉर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हम लोग यहाँ पे जाते हैं होम पे, डायरेक्टली होम पे जाते हैं, और होम पे जाने के बाद में हम यहाँ पे सेव फिल पे सेव आउटलाइन पे आते हैं, सेव आउटलाइन के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं मान लीजिए रेड, और रेड को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लेते हैं वेट, और वेट को मैं यहाँ पे करता हूँ मान लीजिए इस तरह, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, तो वो मैंने एक्चुअली लिया था किसका, मैंने वो लिया था इसका सेप का लिया था, जो आपका सेप आपने किया है तो उसका मैं कर रहा था, यहाँ पे बेसिकली बॉर्डर का आपका बॉर्डर इस तरह आ गया, ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हो, होम पे जाते हो, होम पे जाने के बाद में सेव फिल होता है, सेव फिल में क्या होता है, जो आपका एरिया होगा फिल हो जाएगा, उसके बाद अगर आप चाहोगे तो जो आपका सेप आउटलाइन है, आउटलाइन मतलब बॉर्डर सेप का, वो बॉर्डर कैसा हो जाएगा, सेप इफेक्ट्स आप किस तरह चाहते हो, तो आप शैडो चाहते हो, ग्लो चाहते हो, ये मतलब एक बेहतरीन, आपने अगर कभी काम किया होगा उसे बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग पार्ट है अपने आप में, है ना, चूंकि हम लोग बनाते रहते हैं स्लाइड्स, पीपीटी बनाते रहते हैं, जो आप देख रहे हो मेरा स्लाइड ही वाला, ये जो मेरा स्लाइड आप देख रहे हो ये कितना, अभी स्लाइड मेरा बनाया हुआ ही तो है, ये सारा स्लाइड जो आप देख रहे हो ये मैंने खुद ही तो बनाया है, खुद ही मैं इस पर डिस्कस करता हूँ, पढ़ाता हूँ, है ना, सारे स्लाइड्स पे, तो ये आपका होता है, ठीक है, आगे मैं बात करूंगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो खैर मैंने पढ़ा ही दिया था आपको, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब हो गया था, देखो सब मैंने बना, अब तो सोचो आप इसको बना सकते हो आप, ये सारा मैंने बनाया है, ये सारा मैंने खुद बनाया है, ठीक है, दीपशिखा सर गो टू हमें तो एंड क्लिक डिलीट रूल अंडर स्लाइड्स ग्रुप एमएस पावरपॉइंट 7:10 ऑन द आउटलाइन, वेरी गुड, ठीक है सर, मैं कब से आई आपने ध्यान नहीं दिया, ऊपर मेरे कमेंट्स तो देखिए, अच्छा दीपशिखा मैम ये सब किस पर कर रहे हैं, ऐसा ही कांत जी सब पावर पॉइंट पे कर रहा हूँ मेरे भाई, पावर पॉइंट पे कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ये सब मैंने, ये सब आप देखो कैसे बनाया है, ये सब मैंने खुद बनाया है ना, तो आप बना सकते हो, ऐसे कुछ बड़ी बात थोड़ी ना है, आप खुद बना सकते हो इसको ऐसे, देखो ये सारी चीजें, अब जैसे यहाँ पे मैक्सिमम फॉन्ट एमएस वर्ड का है, स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज क्या है, देखो सब मैंने ले रखा है पूरा स्क्रीनशॉट, अब स्क्रीनशॉट जैसे मैंने, मुझे उसका स्क्रीनशॉट लाना है, मैंने वहां स्क्रीनशॉट किया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है ना, तो बताइए आपको
कर सकते हैं ना हम लोग ये चीज, सुबह ये सारा चीज कर सकते हो आप, मतलब एक्चुअली आदत जब आप करते करते कुछ काम करोगे ना तो थोड़ा फास्ट आपका हाथ चलने लगेगा, ये हाथ तो उतना चलने लगता है जैसे टाइपिंग पे आपका हाथ चलने लगता है, चलने लगता है आपका हाथ तेजी से। ठीक है, ये देखो आप, अब बहुत लोगों को नहीं आता ये सब, अब टाइम लगता है, मुझे टाइम नहीं लगता, पहले स्टार्टिंग में जब मैं बनाता था तो मुझे एक एक घंटा लगता था स्लाइड बनाने में, लेकिन अब मैं कोई टाइम नहीं लगता मुझे बनाने में, ये सारा एक्सेल हो गया, तो मैंने कल बताया ही था आपको। तो एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है ना, आसान खैर नहीं होता है चीज़ें, और प्राइवेट का पार्ट है खैर सब। देखो पावर पॉइंट में चीज़ें मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है कि पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू क्रिएट अ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ सेपरेट पेज नोन एज स्लाइड। आपको बिल्कुल पता होगा यहाँ पे अच्छे से कि सारी चीज़ें क्या बताई गई दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट में मैंने बताया है कि सर सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन किया गया इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होता है, कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज होता है, और जो सेपरेट पेज में डिवाइड होता है उस सेपरेट पेज को हम स्लाइड्स कहते हैं, उन सेपरेट पेज को स्लाइड्स कहते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप बाई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूँ, दुनिया का पहला जो पावर पॉइंट था, वो किसका था पता है? दुनिया का पहला पावर पॉइंट था वो एप्पल 1979 नाम था उसका। तो पहला दुनिया का पहला पावर पॉइंट जो था एप्पल 1979 था, 1979 उसका नाम ही वही था एप्पल 1979, सॉरी एप्पल कह रहा हूँ, मैकिंटोश नाम था उसका, मैकिंटोश 1979 उसका नाम ही था पहला जो प्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो इट इज इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ऑफिस सूट अलॉन्ग विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। मतलब स्टैंडर्ड ऑफिस सूट जो हमको मिलता है, ऑफिस सूट का मतलब कल मैंने बताया था, सूट मतलब पैकेज होता है, सूट मतलब एक पैकेज होता है, शायद मैं कहाँ बता रहा था, कहीं बता रहा था, पढ़ा रहा था, तो किसी ने कहा सर सूट को समझा दीजिए, तो मैंने कहा जैसे आप शादी करने जाते हो, शादी में क्या होता है, शायद किसी बैच में था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप जाते हो दुल्हन लेने हैं, दुल्हन लेने जाते हो तो आप शादी उनको तो लाते लाते हो, साथ साथ में आपको दहेज मिलता है, तो पैकेज मतलब आपको अच्छा खासा पैकेज मिल गया है ना। खैर मतलब ऐसे बता रहा था समझाने के लिए, तो आप किसी एक चीज को लेने जा रहे हो लेकिन आपको और भी चीजें मिल रही हैं, एक्स्ट्रा एडवांस भी आपको चीजें मिल रही हैं, ठीक वो होता है। तो द सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम बेसिक स्लाइड शोज टू कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, मतलब कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन हो उनको हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। इट इज एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स टू द ऑडियंस विजुअली, हम अपने थॉट्स को विजुअली अपने ऑडियंस तक क्या कर सकते हैं इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पता है अच्छे से ना। ठीक है, अरे सर आपने पूरी शॉर्टकट डिस्कस नहीं करी है, अरे परेशान का है बोलो, कहाँ मैं भागा जा रहा हूँ भाई, डिस्कस कर दूंगा ना। ये सर PPT इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू क्रिएट प्रेजेंटेशन एंड वर्क करने में मजा आता है। बिल्कुल सही कहा आपने करुणा मंसल जी, जितना आप सीखोगे ग्राफिक्स, जितना आप इसमें एंट्री करोगे, जितना आप इसमें घुसोगे, उतना आपको नॉलेज, अगर आपको इंटरेस्ट है और आप अगर सीख रहे हो चीज़ों को, आपको आ रहा है तो मजा आएगा। अगर आप नहीं इंटरेस्ट है और जबरदस्ती आप कर रहे हो तो फिर मजा आपको नहीं आएगा। जैसे हम लोग को खेलना आ गया इससे तो हम खेलते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ग्राफिक्स हो गया, ये हो गया, कोई डिजाइन हो गया। अच्छा एक चीज और, आपके पास किसी चीज को डिजाइन करने के लिए आपके दिमाग में क्रिएटिविटी, मेरा आर्ट उतना अच्छा नहीं है, मैंने आर्ट लिया ही नहीं था, मैंने सब्जेक्ट कम्पिटिशन होता नहीं ऑप्शनल, मैथ्स था, मैथ्स ग्रुप था मेरा, तो मैथ्स ग्रुप से क्या होता है कि जैसे आप जब 12th पढ़ रहे होते तो एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, मतलब वो होता नहीं कि आर्ट लो, संस्कृत लो, या इंग्लिश तो कंपलसरी होता है मैथ्स वालों के लिए, आर्ट संस्कृत या कंप्यूटर था हमारे यहाँ, तो मैंने कंप्यूटर लिया था, आर्ट मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे चूंकि हाथ से बनाना नहीं है चीज़ें, बस यूज करना है, आपका दिमाग यूज करना है कि आपको चीज़ों को कैसे क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी कैसे होनी चाहिए, तो वो बेहतर मेरा मानता हूँ, थोड़ा बहुत वो बेहतर है, सोच सकता हूँ चीज़ों को, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो डिविडेंड मिल जाता है, संदीप सिंह कह रहे हैं डिविडेंड मिल जाता है, देखो अपने लैंग्वेज बोल दिए कि लाभ का अंश जो होता है लाभांश बोला जाता है, तो डिविडेंड, खैर तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। यस सर, शॉर्टकट देखा सरोज जी, कहाँ पर भागते जा रहे हो भाई, ये क्या है, देखो ये सारी चीज़ें शॉर्टकट में ही तो आती है, देखो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है एक्सेल की शॉर्टकट भाई, देखो क्या शॉर्टकट ही तो है एक्सेल की, तो ये सब आप पढ़ लो ना, मैं फाउंडेशन बैच में तो लगा रखा हूँ सारा PDF, फाउंडेशन बैच में सारा PDF लगा रखा हूँ, ये सारा आपका ये है, ये देखो, ये उस दिन इसी पे कंफ्यूज हो गया था मैं, ये Swift+F5 लाइव शो में लाइव पढ़ा रहा था मैं किसी बैच में, Swift+F5 इस विंग्स ऑफ सर्च बॉक्स होता है, वहाँ Swift+F4 शायद मैंने बोल दिया था गलती से, नहीं F5 बोला था, किसी ने कहा F4 होता है तो मैं कंफ्यूज हो गया था, तो F5 होता, मुझे याद आया बाद में, मैंने कहा अरे यार मैंने बनाया है इस क्वेश्चन इस पे, तो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपका जो होता है पावर पॉइंट में, ये आपका स्टार्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे आप स्टार्ट करते हो, बेसिक चीज़ें हैं। आप देखो ये क्लोजर लुक, तो क्लोजर लुक में तो आप
को पता चली गया होगा क्लोजर लुक क्या होता है। देखो एक्सटेंशन नेम, तो पुराना एक्सटेंशन आपका पीपीटी होता है पुराने वाले वर्जन में 98 से 2003 तक, और जो नया वाला वर्जन आपका होता है पीपीटी एक्स होता है 7 के, और न्यूअर वर्जन कौन सा है 2021 है, नया वर्जन 2021 है, ठीक है। पीपीएस मतलब कब होता है, जब आपका स्लाइड शो हो रहा होता है, स्लाइड शो का होने का शॉर्टकट जो आपका एक्सटेंशन मिलता है पीपीएस होता है, पीपी पावर पॉइंट, एस मतलब शो, स्लाइड शो, पीपी पावर पॉइंट, एस मतलब शो। तो अगर पूछेगा पीपीएस किसका शॉर्टकट किसका एक्सटेंशन है, तो आप कहोगे सर स्लाइड शो का, पावर पॉइंट स्लाइड शो का एक्सटेंशन जो होता है पीपीएस होता है ना, ये आप बोलोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ, इसकी पीडीएफ इसकी कहाँ मिलेगी सर, मुझे सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना है, क्या मिलेगा सर? यार मेरे पास लैपटॉप तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कहोगे तो हम देख लेंगे, कहीं व्यवस्था करवा देंगे, ठीक है, हो जाएगा कोई जुगाड़ इसे, डिविडेंड, हाँ बिल्कुल, यस यस सर बिल्कुल, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा मुझे लगता है कि एक्सटेंशन जो आपका बेसिकली होता है पीपीटी किसका होता है, पीपीटी एक्स का। हाँ ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैंने कई बार डिस्कस किया है यूट्यूब पे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये अभी लास्ट टाइम जो यूपीपीसीएल का असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आया था, पूछा था पावर पॉइंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसमें दोनों ऑप्शन में थे, पीपीटी भी था पीपीटी एक्स भी था। तो कई सारे लोगों ने पीपीटी किया था, कई सारे लोगों ने पीपीटी एक्स किया था, तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब आपके एग्जाम में वर्जन ना पूछे, ठीक है, जब आपके एग्जाम में वर्जन ना पूछे और दोनों दिया हो, दोनों पुराना नया, तो हमेशा हम नए के साथ जाते हैं, हमेशा हम न्यूअर के साथ जाते हैं, ठीक है, देखो न्यूअर के साथ, और जब वर्जन दिया हो तो भाई वर्जन के अकॉर्डिंग फिर जाएंगे हम। तो दोनों अगर था तो पीपीटी, हालांकि कई लोग हमसे कह रहे थे सर मैंने पीपीटी कर दिया, तो भाई मैं उनको कह सकते हो उनको थोड़ा तसल्ली देने के लिए, कर दिए हो तो भाई ठीक है, बट आंसर मुझे पता था आंसर कंसीडर नहीं करेंगे, सर ऑब्जेक्शन कर दें, क्या देखें यहाँ पीपीटी लिखा हुआ है। अरे भैया रूल होता है, जब पुराना नया, पुराना रिप्लेस किया गया, नए से रिप्लेस कर दिया गया, तो जब पूछा गया तो वर्जन नहीं दिया है तो नया हमेशा हम जाएंगे नए के साथ, और जो वर्जन दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं, बात इतनी सी होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर वर्जन के हिसाब से आएगा तो उसके हिसाब से, अगर दोनों दिया होगा तो नए के साथ जाएंगे, अब लेटेस्ट के साथ, हमेशा लेटेस्ट के साथ जाते हैं, ठीक है। स्लाइड क्या होता है, स्लाइड में कंटेंट होल्डर फॉर टेक्स्ट एंड इमेज, जो इमेज और टेक्स्ट होता है उसको होल्ड करता है, मतलब उसको आप यूज करते हो स्लाइड्स में। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, स्लाइड टैब क्या होता है, आउटलाइन टैब क्या होता है, नोट सेक्शन क्या होता है, सारा आप डाउन कर सकते हो, सारा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। सर एमएस ऑफिस के सारे वर्जन के बारे में बता दीजिए, ठीक है। रियल लाइफ जी मेरे कुछ क्वेश्चन है प्लीज सॉल्व, बिल्कुल दीपशिखा मैम पूछिए क्या क्वेश्चन है आपके, दीपशिखा मैम क्या क्वेश्चन है आपके, प्लीज यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल क्वेरीज, योर ऑल प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू, ओके। रियल लाइफ जी कल मैं जो क्लास लेकर आऊंगा, बिल्कुल मैं इसी पर लेकर आऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे वर्जन पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपके क्वेरी है तो भाई आपसे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट से क्वेरी होंगे, तो सारा वर्जन बता दूंगा एक बार आपको, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मतलब सारा वर्जन पढ़ाना तो संभव नहीं है भाई, इतना संभव नहीं है, मेरे पास सारे वर्जन के पास सारा वर्जन भी नहीं अवेलेबल है, लेकिन कितने वैलिड वर्जन है, कितने वैलिड वर्जन थे, वो सारा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं, ये व्यूज कुछ होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, 6 टाइप के व्यू होते हैं, खैर 7 का दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला स्लाइड में 7 का दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूँ, लेटेस्ट में भी आपके इतने ही होते हैं, 7 का ये हुआ है दिया हुआ है। ये क्लाइड आप देखो, स्लाइड को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, स्लाइड को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल एम होता है, कई लोग यहाँ पे ना कंट्रोल एन का यूज करते हैं, एन नहीं होता है, मतलब आंसर कर देते हैं, एन तो न्यू फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट की होता है, यहाँ बोला गया न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने का, तो स्लाइड की जब बात आएगी तो कंट्रोल एम आएगा, अपने यहाँ पे आप इसको डाल लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बड़े बड़े धुरंधर गलती कर देते हैं, न्यू जहां पे न्यू आया कंट्रोल एन, गलत होता है भाई, नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल आते हैं जरा एक बार हम लोग प्रैक्टिकल अपने पेज पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे आते हैं, और यहाँ जरा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कुछ चीजें, और आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही ना, अच्छा एक काम और कर सकते हो, इसको आप पता है, इसको आप जो है यहाँ से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो, देखो ये इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ये देख रहे हो आप, इसे आप पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हो, तो खैर ये ड्रैग करने का मतलब बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसे आप पता क्या बोलते हो, इसे आप थंबनेल बोलते हो। तो पूछेगा थंबनेल क्या होता है पावर पॉइंट में, तो आप कहोगे जो लेफ्ट साइड लेफ्ट पेन में पेन बोलते हैं, लेफ्ट पेन इसे पेन बोलते हैं, जहाँ पे दिख रहा है वो पेन, मतलब दर्द होने वाला पेन नहीं, पी ए एन पैन बोलते हैं, अब चूंकि पेन ही बोलते हैं, पेन बोल दोगे आप, तो ये लेफ्ट वाला पेन होता है, ये लेफ्ट पेन बोलते हैं, तो जितने भी थंबनेल्स आपके होते हैं वो लेफ्ट पेन में दिखाई देंगे, हम कंट्रोल एम क्लिक करेंगे तो कंट्रोल एम मतलब कंट्रोल एम क्लिक करते हैं तो कंट्रोल एम। अच्छा एक बात आपको गौर करना है यहाँ पे, कंट्रोल एम जब क्लिक करोगे ना तो वो स्लाइड नहीं आती, टाइटल स्लाइड के अगला जो आपका होता है स्टेप, वो देखो, तो टाइटल स्लाइड यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे जब कंट्रोल एम किया तो नई स्लाइड, फिर कंट्रोल एम किया
तो टाइटल स्लाइड केवल पहला स्लाइड होता है, टाइटल स्लाइड के पहला आप अगर उसको इंसर्ट करना चाहते हो तो उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अगर आप उसको बार बार लाना चाहते हो उसी स्लाइड को तो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप जब भी नया स्लाइड लाना चाहोगे इसके अलावा तो यहाँ पे कंटेंट आप क्या करोगे क्लिक टू मतलब ये कंट्रोल एम करोगे तो कंट्रोल एम जब भी करोगे आप तो नया स्लाइड आपके सामने आएगा, ठीक है वो मैंने किया। सर ड्रैग एंड ड्रॉप, किसे ड्रैग एंड ड्रॉप कह रहे हो आप? ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं बोलते यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप माउस का यूज करके हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं बोलते हो आप, ठीक है बिल्कुल। दीप शिखा मैम क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछिए आप, व्हाट क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, क्या क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो? अच्छा मैं शायद ऐसे हूँ क्या भाई, थोड़ा मैं अपने आप को यहाँ पे सही कर लूँ, देर से पढ़ा रहा हूँ, मेरी विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है क्या, सेटिंग करना थोड़ा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर जो है ये बेसिकली मैंने बनाया था एक स्लाइड यहाँ पे, ये कहाँ गया स्लाइड मैंने बनाया था, ठीक है, तो ये आपका जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना इसे आप थंबनेल बोलते हो, ये आपका थंबनेल कहलाता है, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट वाला पार्ट जो होता है, और आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को यूज कर सकते हो। अब चूंकि जब बड़ा आपका हो जाता है ना वो क्या बोलते हैं स्लाइड, जब आपका बड़ा जब ज्यादा पेज का हो जाता है, आपके पेज से बड़ा मतलब आपके स्क्रीन से बड़ा हो जाता है, तो फिर आप वहां पे क्या यूज करते हो, स्क्रॉलिंग यूज करते हो, वर्टिकल स्क्रॉल बार इसे बोलते हो आप, वर्टिकल स्क्रॉलिंग यूज करते हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा दिखा दूं यहाँ पे, जैसे आप एक चीज काम करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे आप जूम करके दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे देखिए आप जब यहाँ पे आते हो ना, कहाँ गई, यहाँ पे देखो आते हो तो क्लिक ऐड टू टेक्स्ट है ना, यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, जब आप किसी क्वेश्चन पूछा जाएगा सर बताइए जब हम टाइटल को ऐड कर लेते हैं उसके बाद जब हम अगला स्लाइड लाते हैं तो उसमें सर क्लिक टू ऐड टेक्स्ट में हमको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं सर, बाय डिफॉल्ट कितने मतलब कितने मेनू होते हैं या कितने आइकन्स होते हैं, तो सर एक तो हमारे सामने दिख रहा है यहाँ पे इंसर्ट टेबल करने का, बाय डिफॉल्ट टेबल का, दूसरा हमारे सामने दिख रहा है सर चार्ट का, चार्ट इंसर्ट करने का, तीसरा सर हमारे सामने दिख रहा है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का, चौथा सर हमारे सामने दिख रहा है 3D मॉडल्स का, उसके नीचे सर पैरेलल में पिक्चर्स दिख रहा है, फिर उसके बगल में सर ऑनलाइन पिक्चर्स दिख रहा है, फिर उसके बगल में सर इंसर्ट अ वीडियो दिख रहा है, और फिर उसके बगल में सर इंसर्ट एन आइकन दिख रहा है, मतलब आइकन्स दिख रहा है बेसिकली, है ना ये चीजें। तो जीमेल का भी टॉपिक एक भी पढ़ा देना सर, सर अरे सब पढ़ा देंगे, जीमेल का पूरा वो कर देंगे, क्या बोलते हैं लेफ्ट पैन, हाँ बिल्कुल प्रदीप पालजू से लेफ्ट पैन बोलते हो आप बिल्कुल, मिश्रा जी आप परेशान मत हो, सब करा दूंगा यार, जीमेल का भी पूरा करा दूंगा, क्योंकि जीमेल से भी पूछ लेता है क्वेश्चन वो डेफ्ट में जाके कि इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन होता है, इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं होता, सारा करा दूंगा मैं, ठीक है एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे चार आपके जो है ये ऑप्शंस तो होते हैं, यहाँ पे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे आप कुछ भी चाहो तो यहाँ पे आप चाहो तो टेबल आप अपने अकॉर्डिंग कितना लो कितने कॉलम कितने रो में आप टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए 5 कॉलम और मैं चाहता हूँ 4 रो में टेबल इंसर्ट करना हो, जैसे मैं इंटर करूंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 कॉलम और 4 रो का टेबल आ गया भाई, कॉलम मतलब वर्टिकल होता है 1 2 3 4 5 और रो में 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल रो होता है, तो इसी में आपका आ गया क्या कॉलम रो, अब मैं चाहूँ तो इसका भी जो भी शेप चाहूँ जो भी शेप देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ, बहुत आसान तरीका है, बहुत स्टैंडर्ड वे है, आप जब प्रैक्टिकली यूज करोगे, अगर कभी आपने नहीं किया है तो आप यूज करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आप चाहो तो टेबल बिल्कुल आप चाहो तो यहाँ पे पूरा अपना यूज कर सकते हो, क्या बोलते हैं चार्ट, देखो चार्ट तो बहुत सारे होते हैं, चार्ट बहुत सारे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चार्ट कौन से होते हैं आपको ये देखना है, तो सर इंपॉर्टेंट चार्ट कॉलम चार्ट लाइन चार्ट पाई चार्ट बार चार्ट, एक्चुअली बार चार्ट और कॉलम चार्ट एक ही होता है, बस अंतर ये होता है कॉलम वर्टिकल होता है और बार जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। लाइन चार्ट और एरिया चार्ट भी लगभग एक ही होता है, अगर एक्सेल में जाओगे तो लाइन चार्ट एरिया चार्ट आपको एक ही मिलेगा, बस अंतर थोड़ा ये होता है कि लाइन चार्ट थिन होता है और जो आपका एरिया चार्ट होता है पूरे एरिया को कवर करके दिखाता है, वो रिप्रेजेंट करता है, बाकी एक्स वाई स्कैटर चार्ट मैप स्टॉक सरफेस राडार ट्री मैप सब ट्रस्ट हिस्टोग्राम बॉक्स एंड विस्कर वाटरफॉल फ्यूनेल एंड कॉम्बो, तो सर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इतना आप याद रखना भाई, इतना तो मुझे भी नहीं याद है, ठीक है लेकिन हाँ इतना पता है कॉलम, आपको एक इमेज दिमाग में होना चाहिए सर कॉलम चार्ट इसमें एग्जाम में आया था कि बताइए दिया गया चार्ट है कौन सा चार्ट है, फाइंड आउट करना है आपको, तो अब जैसे आपके सामने कॉलम चार्ट आ गया तो क्या आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आपके सामने लाइन चार्ट आ गया तो क्या आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आपके सामने पाई चार्ट आ गया तो क्या आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे,
मैथ्स पढ़ा होगा, डीआई पढ़ा होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स में बैंक वाले बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी जो कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीटी भी डीआई आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, आपके खैर आपके इसमें नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन ये चूंकि पूछ लेता है क्वेश्चन। बार चार्ट वही जो आपका कॉलम चार्ट था वर्टिकल था, इसी को हॉरिजॉन्टल कर दो आप। ये आपका एरिया चार्ट, ये आपका एरिया चार्ट होता है, पूरे एरिया कवर करता है, हालांकि लाइन चार्ट की सिमिलर होता है बट एरिया कवर करता है। एक्स वाई स्कैटर में आपका डॉटेड होता है, टेबल जैसे होता है आपका ये एस वाई एक्स वाई स्कैटर होता है, ठीक है। मैप आपका ये मैप वाला पोर्शन आपका होता है। तो मतलब ये एग्जाम में ना मतलब ये देता है कि बताइए आइडेंटिफाई करिए क्या है, कौन सा चार्ट है। तो भैया आप एक बार गो थ्रू हो लोगे, जब हो लेंगे इससे आप, तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट्स में आप मैनेज टेम्पलेट्स कर सकते हो आप, कौन चीजें होती हैं, ठीक है। यस सर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर, लेट तो नहीं हुआ। पीपी सिंह जी भाई अब मैं जाने वाला हूँ। हेलो सर, एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल करा दिया क्या आपने? शिवम शर्मा जी एक पार्ट करा दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, दोबारा पार्ट में थोड़े दिन में करा दूंगा। दोबारा पार्ट को मतलब कुछ और फॉर्मूला वगैरह कुछ जो है वो मैं करा दूंगा दोबारा बाद में, मतलब मैं अभी और उस पर क्या बोलते हैं मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लास्ट तक भी चीजें आपके साथ रहूंगा। तो अभी एक बार एक पार्ट मैंने करा दिया, उसमें कुछ जैसे कुछ फंक्शंस मैंने बता दिया आपको यूज करना, बाकी और कुछ फंक्शंस होंगे वो मैं आपको और करा दूंगा जो भी बचे हुए होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, ठीक है। ये कुछ ये ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड का ग्रुप कहाँ होता है, होम पे सर क्लिपबोर्ड का ग्रुप होता है, उसमें सर कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर होता है, सर स्लाइड ग्रुप में न्यू स्लाइड्स लेआउट रिसेंट और सेक्शन होते हैं, सर फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस होते हैं, सर पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, ड्राइंग ग्रुप में सर ड्राइंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, एडिटिंग में सर एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, सारे आपके होम पे मिलते हैं। बाकी इसके आगे मैं कल चर्चा करूंगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और बाकी कोई कमी रह गई होगी तो आप मुझे बिल्कुल अपना सलाह दे सकते हो, आपका क्या बोलते हैं सलाह जो है आपका सजेशन जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और आज पार्ट 12 है तो इसके पहले का सारा सेशन अटेंड कर लो, और कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। और रही बात शेयर लाइक करने की, तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हो ताकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उन तक मेरा सेशन पहुंचे और लोग लाभ उठाएं, क्लास को इंजॉय करें। तो बेसिकली 8:15 बजे से क्लास ले रहा हूँ, देखो 1 घंटा हो गया होगा यार, एकदम 8 बजे में लाइव आ गया था आपके साथ, ठीक है, मतलब 8 बज के कुछ भी, तो ये होता है, ठीक है। पूरा स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है आपके एग्जाम के लिए, और भी अच्छा करूंगा और बेहतर करूंगा, मतलब बेहतर में बेहतर करूंगा मैं, ठीक है। चलो भाई टेक केयर। डिफरेंस बिटवीन स्लाइड वो मैं कल बता दूंगा, रियल लाइफ जो भी मैंने बताया कहा उसको वो मैं कल बता दूंगा, ट्रांसिशन और एनिमेशन में कल बताऊंगा ना, अभी मैंने बताया कहा है एनिमेशन करना, एनिमेशन कैसे करते हो आप, ऑब्जेक्ट पे कैसे एनिमेशन लगाते हो, किस किस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हो, ट्रांसिशन कर सकते हो, मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल हमसे आप नंबर मेरा व्हाट्सएप का नीचे चल रहा है देख सकते हो आप, नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और बाकी ऐप इंस्टॉल कर लो, ऐप पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐप पे आप पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ाई कर लो। और कोई डाउट हो तो हमसे पर्सनली आप पूछ सकते हो। दिव्या सक्सेना जी थैंक यू, नाइस सेशन, थैंक यू सो मच दिव्या जी। सर अभी 9:05 हो गया है, अच्छा 9:05 हो गया है, वाह भाई आंचल मैम आप तो डेली आती नहीं हो, आंचल मैम सुबह वाली क्लास भी नहीं आती हो, थैंक्स लॉट सर आंचल मैम, गुड इवनिंग सर लेट हो गया बिल्कुल। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। हाँ एक चीज और, 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है ना, 10,000 सब्सक्राइबर नहीं पहुंचाना है, प्लीज हेल्प कर दीजिए 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाने में, ठीक है, थैंक यू।